कि नए स्कूल जाना है जहाँ पे सिर्फ टॉपर्स पढ़ाई करते हैं बाई द टाइम मैं क्वेश्चन लिख पाती बाकी लोग आंसर चिल्लाने लग जाते थे पढ़ती रहती थी पढ़ती रहती थी लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं दिखता था गलतियाँ करना तो सही है बट नॉट लर्निंग फ्रॉम इट इज़ द बैड पार्ट ऑफ इट मार्क्स मिले या ना मिले मैं पूरा अपना हंड्रेड परसेंट दूंगी मुझे कैसे भी करके ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है मैंने सोचा टू फिफ्टी प्लस और मेरा है वन नाइन्टी थ्री ये क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ किताबों के आगों में ही जीना है हमें उनके बिना जिंदगी को अधूरा माना है हमने कुछ ऐसी सोच थी मेरी अपनी जेई के टाइम जे जर्नी ऐसा फेज था जिसमें डिप्रेशन सेल्फ डाउट लो कॉन्फिडेंस भारी मात्रा में भरा था हेलो एवरी वन नेम में सुबह करी आई एम सेकेंड डे स्टूडेंट आई आई टी रूट की एंड एन एक्स जे एस्परेंट एक्स जे एसपरेंट इतना डीप टर्म है ना अभी ये डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है कि यार मेरी जे ख़त्म हो गई मैंने एग्ज़ाम दे दिया है और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो अपनी जे करने को मैं ऐसे शुरू करती हूँ कि मैं एक नॉर्मल सी बी सी स्कूल में पढ़ती थी अपने एथ क्लास तक आर्ट से दो मेरा स्कूल था एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व थी मैं डांस म्यूज़िक सिंगिंग हर क्लब में थी मैं ऑलराउंडर स्किल्स थे मेरे फिर उसके बाद मुझे कुछ बहुत बड़ा करना था जिंदगी में और यही रुचि देखते मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि इससे जेई लिखवाते हैं तो साउथ में जहाँ से मैं हूँ हैदराबाद उसमें ऐसा होता है कि बच्चे सिक्स सेवन्थ क्लास से जेई की तैयारी शुरू कर देते थे अगर तुम एथ में स्टार्ट कर रहे हो तो यार तुम तो लेट हो गए तुम रह गए पीछे ऐसा मानते थे तो मैंने अपना स्कूल चेंज किया था नारायणा एक कोचिंग होती थी उसमें तो हमारे स्कूल के टाइमिंग्स थे सुबह के आठ बजे से लेके शाम के छः बजे तक ये मेरा सबसे पहला धक्का लगा मुझे कि यार जिस टाइम पे मैं खेलने जाती थी अभी उस टाइम पे मैं स्कूल से वापस लौटूंगी तो जब मैं गई थी स्कूल में तो मुझे लगा कि ठीक है एट से सिक्स होगा तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होंगे या कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होंगे तो स्कूल निकल जाएगा लेकिन जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि सिर्फ पी सी एम पढ़ाते थे, थे सुबह के एट ओ से लेके शाम के छः बजे तक मैं स्कूल जाती थी और मैं बहुत हाइपर एक्टिव थी तो मुझे क्लास में फोकस करने में इतने घंटे मुझे बहुत मुश्किल लगता था हमारे स्कूल में लेवल्स होते थे लेवल वन लेवल टू सो ऑन अप टू लेवल फाइव आज तुम्हारा लेवल हाई होता जाता था एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती थी और टीचर्स और ज़्यादा पढ़ाते थे तो मेरे माइंड में एक ही था कि यार मैंने स्कूल शिफ्ट किया क्योंकि मुझे जे में फोड़ना था तो मैं बहुत मेहनत करूँगी और मुझे टॉप लेवल तक पहुँचना था उसी एंथ्यजियाजम के साथ मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो करते करते मैं लेवल फोर तक पहुंच गई थी सब सही चल रहा था मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई थी फिर एक दिन मुझे पता चला कि जो लेवल फ़ोर लेवल फ़ाइव के स्टूडेंट्स होते हैं उनको दूसरे स्कूल में लिया जाता है जिसमें सिर्फ टॉपर बच्चे पढ़ते हैं तो पहले मैं बहुत रेजिस्टेंट थी इस आइडिया से कि यार यहाँ तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए टीचर्स के साथ बॉन्डिंग भी होगी अभी सडनली बोल रहे कि नए स्कूल जाना है जहाँ पर सिर्फ टॉपर्स पढ़ाई करते हैं तो मैंने पहले बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना यहाँ मुझे अच्छा लगता है फिर मेरी मम्मा ने एक बात बोला था जो मुझे अभी तक याद है कि जब तुम, तुम, तुम तुम्हारे कम्फर्ट जोन में होते हो ना तो तुम बहुत रिलैक्सड होते हो तुम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करते हो अभी तुम लेवल फोर में हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ मुझे सब आता है लेकिन जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना तभी तुम्हारे लिमिट्स पुश होंगे तो फिर मैंने सोचा हाँ यार ये सही है तो स्कूल शिफ्ट कर लेना चाहिए तो मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया था इतना भी आसान नहीं था कि एक जगह स्कूल से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया जिस स्कूल में गई थी वहाँ पे सब नए बच्चे थे और मैंने एंट्री ईयर के बीच में ली थी मतलब बाकी बच्चों ने बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर चुके थे वो मुझे याद है पहला क्लास था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन मैं क्लास में बैठी थी सर कुछ क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे थे बाई द टाइम मैं क्वेश्चन लिख पाती बाकी लोग आंसर चिल्लाने लग जाते थे मुझे बहुत टेंशन होने लगा कि यार मैं हमेशा टॉपर रही हूँ और सडनली ये क्या हो रहा है कि मैं आंसर दे ही नहीं पा रही हूँ क्लास में तो फिर मैं थोड़ा डीमोटिवेट फील करना स्टार्ट हो चुकी थी जैसे हर वीकेंड एग्ज़ाम होते थे वैसे भी उस स्कूल में भी होते थे तो पहले के तीन महीने मैंने एग्ज़ाम नहीं लिखे क्योंकि मैं मैंने ये बहाना बनाया था कि मुझे पोर्शन कवर करने में टाइम लगेगा तो फिर जब मैंने अपना पहला एग्ज़ाम लिखा था ना मैं लास्ट से सेकेंड आई थी ये ज़िंदगी में पहली बार था जब मुझे इतना कम रैंक मिला था और ये बहुत ऐसे झटका सा महसूस हुआ मुझे कि यार मैं हमेशा टॉपर रही हूँ मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छी थी जो मैंने सब चीज़ें सेक्रीफाइस किए जैसे म्यूज़िक डांस अब वो सब उन सब पे पानी फिर जाएगा अगर मैं अभी हार मान जाऊँगी तो।, तो फिर से मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और ये ऐसा होता ना कि जब तुम एक बार नीचे गिर जाते हो और तुम एफर्ट डालते हो ना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें तो उसका रिज़ल्ट नहीं दिखेगा तब तुम्हें लगेगा कि यार मैं एफ़र्ट डाल भी रही हूँ और मुझे मार्क्स भी नहीं मिल रहे तो एफ़र्ट डालने का क्या ही फ़ायदा है लेकिन फिर मैंने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाया था कि मार्क्स मिले या ना मिले मैं पूरा अपना हंड्रेड परसेंट दूँगी तो मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया था जिसके धीरे धीरे बहुत धीरे मेरा मार्क्स इम्प्रूव होने लग गए थे तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर कॉलेज ही जाना है तो फिर मेरी मम्मा ने बोला कि मुझे अपनी बेटी को कोई और कॉलेज में ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर उसकी कोचिंग बेहतर होगी तो फिर उन्होंने जाके डीन सर से बात की थी कि मुझे अपनी बेटी को सो एंड सो ब्रांच में ज्वाइन करना है तो उन्होंने ये बात बोला था कि तुम्हारी बेटी उतनी अच्छी नहीं पढ़ती है तुम्हारी बेटी को उस कैंपस में कदम भी नहीं रखने देंगे तुम्हारी बेटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाएगी और मैंने उन बातों को बहुत ऐसे दिल पर ले लिया था और मैंने ठान लिया था कि इस बंदे को गलत प्रूफ करना ही है तो फिर मैं गई थी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थाट था कि मुझे कैसे भी करके ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो फिर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी और मैं अकेली बच्ची थी उस पूरे सेक्शन uh, में जिसने लेवल वन लिखने के बाद सीधा लेवल थ्री लिखने के लिए बोल दिया था डायरेक्ट मिल गया था एडमिशन मैंने उतना अच्छा लिखा था एग्ज़ाम फिर हस, बहुत अच्छे से मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था सब अच्छा चल रहा था फिर आ गया लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि वो लॉक ऑनलाइन क्लास में कम पढ़ते थे लेकिन मैं इतना मोटिवेटेड थी कि मुझे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जैसे भी करके अचीव करना था मेरे हर बुक पे लिखा होता था आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मैं बहुत मोटिवेटेड थी मैं बहुत ऐसे मैंने सोच लिया था कि मैं फोड़ूंगी जी फिर हमारे कॉलेज टाइमिंग्स पता चले हमें जो सुबह के सिक्स ओ से ले नाइट टेन तक कंटिन्यूसली था पहले तो ऑनलाइन था मतलब तुम्हें स्क्रीन के सामने मॉर्निंग सिक्स से लेकर नाइट टेन थर्टी तक बैठना था और ऐसा समझ नहीं आता था कि कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे या टेस्ट का कुछ समझ नहीं आता था तो फिर मैंने धीरे धीरे सब प्रोसेस करना स्टार्ट किया था कि ठीक है पहले स्टेप बाय स्टेप लेते हैं ऐसा नहीं कि पहले एग्जाम मैं दे दूँगा मुझे फर्स्ट रैंक आ जाएगा ऐसा नहीं होगा धीरे धीरे स्लोली स्लोली मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा और यही डिटर्मिनेशन के साथ बहुत अच्छा चल रहा था मेरा ऑनलाइन वाला फ़ेज़ फिर उसके बाद कोविड कम हुआ था हमें कैंपस बुलाया गया था ये मेरा थोड़ा डार्क फेस था जब मैं गई थी कैंपस तब मुझे लगा था कि यार मैं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है मुझे बहुत अच्छा रैंक आएगा लेकिन फिर जब मैं हॉस्टल गई थी ना तब ये मेरा पहला टाइम था घर से दूर फैमिली से दूर सबसे दूर मुझे अकेले सब मैनेज करना था कपड़े धोना खाना खाना पानी पीना सब अकेले तो पहले बहुत हिंडरेंस था क्योंकि खाना भी उतना ख़ास नहीं बनता था हॉस्टल में और एक और प्रॉब्लम थी मेरी कि जब हम ग्रुप स्टडी करने बैठते थे ना टेन थर्टी के बाद तब हम पढ़ाई करने तो बैठते थे लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ें करते थे पढ़ाई के बीच में कोई कुछ टॉपिक ला देता था मूवीज़ के बारे में या कुछ कुछ और चीज़ के बारे में और हम डिविएट हो जाते थे ऐसे दो बजे तक तीन बजे तक चार बजे तक हम वही बातें करते थे जो सब्सिक्वेंटली वो अफेक्ट मेरे क्लासेस पे पड़ने लगा था मैं क्लास में सो जाती थी क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती थी तो ऐसे मेरे मार्क्स गिरने गिरने लग गए थे मम्मी पापा पूछते थे कि क्यों कम नंबर आते थे तो मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ आंसर नहीं था तो फिर उसके बाद फिर से कोविड आया था और हम घर आ गए थे वापस तब तब मैं मैं इतने गाने सुनती थी कि मैं एग्जाम्स के बीच में भी गाना गाना गा रही थी मैं फोकस नहीं कर पा रही थी तो तब मुझे याद है मम्मा ने आके मुझे पूछा था कि बेटा क्या हो रहा है इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं फिर मैंने बोला मुझे पता नहीं कम नंबर क्यों आ रहे हैं फिर उन्होंने बोला था कि जो जो चीज़ें तुमने सेक्रीफाइस किए ना इन लास्ट थ्री ईयर्स में और तुम एक भी गलती कर दोगे ना वो सब बेकार में जाएगा तुम्हें वो जो फल चाहिए ना वो नहीं मिलेगा जो पार्टी आज तुमने मिस की है जो शादियाँ तो मिस किया उन सब का कोई मतलब नहीं बचेगा सब पानी में चला जाएगा तो मैंने सोचा हाँ यार जो एफ़र्ट मेरे पेरेंट्स ने भी डाली ये जर्नी मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की भी है जो जर्नी उनकी भी थी जो मेरे साथ थे वो भी अच्छी वो भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे तो फिर मैंने फिर से मैंने अपना साइकिल स्टार्ट किया था लेकिन इस टाइम बहुत मुश्किल हुई थी फिर से रीस्टार्ट करने के लिए क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पीछे छूट गए थे मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स थे और फिर मुझे करंट टॉपिक्स को भी कैचअप करना था तो मैं रात के तीन बजे चार बजे तक पढ़ती रहती थी पढ़ती रहती थी लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं दिखता था पहले बहुत गुस्सा आता था कि यार मैं पढ़ रही हूँ कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है फिर मैं फिर क्यों पढ़ूँ पहले ही अच्छा था जब मैं नहीं पढ़ती थी मुझे नंबर भी नहीं आते थे फिर मैंने सोचा गलती कहाँ पर हो रही है मैं एफ़र्ट तो डाल रही हूँ लेकिन फिर मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है फिर मैंने जाके अपने एक सर से डिस्कस किया था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मैं एफर्ट तो डाल रही हूँ लेकिन पता नहीं नंबर क्यों नहीं आ रहा है फिर मेरे सर ने बोला कि बिना एक डायरेक्शन के तुम एफर्ट डालोगे तो वो एफर्ट वेस्ट है मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए एफर्ट डालने के लिए तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तो ये बात मुझे समझने में टाइम लगा लेकिन जब मैंने समझी ये बात तब मुझे समझ आया कि इट डजेंट मैटर तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर करता है कि तुम अपने एफ़र्ट किस डायरेक्शन में लगा रहे हो मेरी जेई में सिर्फ सात आठ महीने बाकी थे तो मैंने अपने दिमाग में ये ठान लिया था कि अब से जो भी एफर्ट मैं मारूंगी वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर प्लान के साथ ही करूंगी तो पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि जो भी मैं मॉक टेस्ट लिखूंगी जो भी गलतियाँ उसमें होंगी वो मैं एक सेपरेट बुक लगाऊंगी उसमें लिखती जाऊंगी कि यही मेरी गलतियाँ हैं ताकि फाइनल एग्जाम से पहले मैं वो रिवाइज़ कर पाऊँगी तो ऐसे करते मैंने धीरे धीरे अपनी गलतियों पे काम करना स्टार्ट किया था क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि मैं गलतियाँ तो करती थी लेकिन उससे कुछ सीख नहीं सीख नहीं रही थी गलतियाँ करना तो सही है बट नॉट लर्निंग फ्रॉम इट इज़ द बैड पार्ट ऑफ इट तो फिर आई स्टार्टेड अपनी गलतियों से सीखना थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ था मेरे नंबर अच्छे आने लग गए थे फिर पूरा कोविड उठ चुका था और हमें हॉस्टल वापस बुलाया गया था अब जी मेंस में सिर्फ दो ही महीने बाकी थे तो मैं ऑल अप थी अपना जेई मेन्स फर्स्ट अटैम्प्ट देने के लिए और दिमाग में मैंने टू फिफ़्टी प्लस का टोटल मान के चल रही थी तो मैं गई थी एग्जामिनेशन हॉल मैंने मस्त अपना एग्ज़ाम लिखा था मुझे लगा था कि अच्छे नंबर आ जाएंगे फिर मुझे याद है जो जेई मेन के मार्क्स रिलीज़ होने वाले थे सुबह के पाँच बजे मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बोला कि तेरे 193 मार्क्स आए हैं तो मुझे शौक़ लगा था कि मैंने सोचा 250 प्लस और मेरा है 193 नाइन्टी ये क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ मैं रोने लग गई थी मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी कि चार साल से जो मेहनत मैंने की है वो सब पानी में फिर गया था फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे ये देखने दो कि मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे कि जो कॉन्सेप्ट मुझे आते भी थे मैंने उनमें भी गलती कर दी थी तो मैंने सोचा सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही तो है मैं शायद उस दिन मेरा दिन ख़राब चल रहा होगा या मैं ज़्यादा ओवर एक्साइट हो गई तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस पर मैंने सोचा अब सेकेंड मेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन सेकेंड मेंस मेरा सबसे वर्स्ट एग्ज़ाम था मैं गई थी सेकेंड मेंस देने पहले तो हमारा सेंटर में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे हमें लाइन में लगना था टिलेवन थर्टी हमारा एग्ज़ाम शुरू होना था दस बजे तक पहले तो मैं उस बात से डर गई थी कि यार दस बजे एग्ज़ाम शुरू होना था लेकिन इलेवन थर्टी शुरू हो रहा है फिर मैंने देखा जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैथ्स वो सबसे टफेस्ट था वो देख के ही मैं ब्लैंक आउट हो गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि यार ये एग्ज़ाम गया ये एग्ज़ाम गया ये एग्जाम गया इस इन तीन शब्द के अलावा कुछ और नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में मैं एग्ज़ाम हॉल से रोती वापस आ गई थी कि ये ये मेरा एग्ज़ाम बहुत बेकार गया मेरे मम्मी पापा देख के डर गए थे कि क्या हुआ इसे ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम के अंदर गई थी अब रोती वापस आ रही है उस दिन हम कार में बैठे थे और कार से घर आ रहे थे तब मेरे पापा ने बोला कि तू तो, तो बड़ा आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे करती है मेंस में इतने कम नंबर आए और हमेशा कुछ ना कुछ बहाना होता है तेरा तो बस बहाने दे रही है तो फिर मैंने सोचा कि मैं बहाने क्यों दूंगी ये तो मेरे साथ जेन्युइनली हो रहा है लेकिन मुझे ये सब रेक्टिफाई करना था मुझे एज अ फेलियर नहीं एंड करना था इस जर्नी को जो पाँच साल या चार साल मैंने लगाया अपनी ज़िंदगी के इसमें बाकी सब सैक्रिफाइस करके मुझे बहाना वाले टर्म पे एंड नहीं करना था एक फेलियर की तरह एंड नहीं करना था तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो मेरे हो रहे हैं ना उस पर मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा मैं उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकती एडवांस मेरा फाइनल चांस है आई में जाने के लिए तो फिर मैं ऑल गेयरड अप थी नेक्स्ट के एक महीने पूरा फोकस करने के लिए लेकिन बहुत डर भी लगता था बीच में कि अगर नहीं हुआ तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे मम्मी पापा के एफ़र्ट्स बेकार जाएंगे ये सब बहुत टेंशन होता था पहले तो फिर मैं अब मुझे याद है मैं अपने सर से बात करी थी रात के एक दो बजे वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं होगा अगर नहीं भी होगा ना ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है तुम्हें आई आई टी आई आई टी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो आई आई टी वाली जर्नी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जर्नी तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है तो इसी मोटिव अपने माइंड में रख के मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया था मेरे पेरेंट्स ने भी एक ही बात बोली थी मुझे कि ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है अगर आई नहीं मिला तो एन आई नहीं मिला तो ट्रिपल आई अगर वो भी नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज जहाँ भी कि तुम तो अच्छा कर पाओगे बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए थी जिसके थ्रू मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया आ, और आ गया था, था द डी डे जी एडवांस वाला दिन मैं बहुत टेंशन भी थी नर्वस भी थी एक्साइटेड भी थी और ये लग रहा था कि यार फाइनली ये दिन आ गया जिसका मैं बहुत चार सालों से वेट कर रही थी तो फिर मैं गई थी एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम बहुत अच्छा अच्छा हुआ था फिर जब मैंने एडवांस के नंबर देखे ना अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे बहुत कम नंबर आए थे तो फिर एडवांस के रिजल्ट्स के दिन उससे एक रात पहले मुझे ये सपना भी आया था कि मुझे फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ऐसा कुछ रैंक आया और मेरी जई नहीं क्लियर हुई है फिर जब जई एडवांस रैंक वाला दिन आया ना फिर मेरे पापा कंप्यूटर सा, के सामने बैठे थे उन्होंने खोला था रिज़ल्ट मैं बस भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि कुछ मेराकल हो जाए और मेरा आई में हो जाए सिलेक्शन डिटेल सेंडर किया था फिर रैंक आ गया था पहले तो मैं ये चेक कर रही थी कि वो कोड है कि मेरा रैंक है वो रैंक देखे मैं इतना खुश हो गई थी कि अब फाइनली मैं भी आई आई बन गई हूँ आई आई टीन वाला टैग मुझे भी आ गया है उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ जो भी अप्स एंड डाउंस हुआ है इस जर्नी में उसने उससे मैं ग्रो हुई हूँ उसने मैंने बहुत कुछ सीखा है जितना तुम सक्सेस के पाथ में चल के सीखते हो ना उससे ज़्यादा जब तुम फेल हो जाते हो उससे उतना ज़्यादा तुम सीख पाते हो जब भी हमारे सामने कुछ फेलियर आता है ना हमें उससे डरना बिल्कुल नहीं है हमें उसे ऐसे फाइट करना है कि फेलियर भी हमको देख के भाग जाए मेरे लिए आई बनने से ज़्यादा जो मैंने अपनी जेई जर्नी में सीखा है जितनी भी प्रॉब्लम्स को मैंने क्रॉस किया है दैट हैज़ मेड मी हु आई एम टूडे अगर मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जो कॉन्फिडेंस मुझे अपनी जेई जर्नी के थ्रू मिली है अगर मेरी जे ई जर्नी में इतना ड्रामा रोना धोना नहीं होता ना तो मेरे पास एक कहानी नहीं होती तुम सबके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे परिवार वालों को दोस्त वालों को एंड स्पेशल थैंक्स जोशॉक के लिए जिसने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है मुझे ताकि मैं ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ यार कोई भी प्रॉब्लम हो ना हंसते मुस्कुराते डिटर्मिनेशन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बस उसके साथ फाइट करना है कोई भी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगती है थैंक यू सो मच फॉर स्टाइम